अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैंने पिछले वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों को ग्लोइंग बेस भी बताई है और मैंने आपको जो डेली बेसिस भी बताई है, सब कुछ मैंने आपको बताया है और वाइटनिंग बेसिस भी बताई है। बहुत सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर आपको बता चुकी हूँ। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी मिक्सिंग की सेटिंग कर रही हूँ, वो कि लाइट बेस बनाई थी और डार्क बेस बनाई है और जो मैंने ग्लोइंग बेस बनाई है, इनकी मिक्सिंग आपको दिखा रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मैंने पहले बनाई थी थोड़ी सी वाइटनिंग में, ठीक है, और फिर ग्लोइंग बेस बनाई थी, सब मैंने चैनल पे मौजूद है। तो जिस अब ये जो मेरे पास है, ये बेस मैंने बनाई थी पार्टी बेस, ब्राइडल बेस, ये मैंने बेस बनाई थी और ये वाटरप्रूफ बेस बताई थी और स्टिक के साथ मैंने बताई थी, क्रायलॉन की टी वी स्टिक के साथ मैंने ये बेस बताई थी और पैनकेक यूज़ किया था। तो ये वाली बेस मैंने आपको बताई थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा इसको डेली यूज़ करने के लिए नेविया की सॉफ्ट क्रीम, जो डेली बेसिस पे मुझे ये वाली सूट करती है, तो मैं ये वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आपको कोई और सी जोन सी भी आप डेली बेसिस पर क्रीम यूज़ करते हैं, आप वो यूज़ करेंगे। ये क्रीम ऐड करूँगी, ठीक है, ये मैं क्रीम ऐड, ये वाली क्रीम ऐड कर रही हूँ और मैं साथ में इसके यूज कर रही हूँ और थोड़ी सी मिकदार में मैं ये वाइटनिंग वाली जो मैंने बनाई थी और तो वो मैं इसके अंदर ऐड करके ये बाकायदा अपने लिए मैं डेली बेसिस की क्रीम बना रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं ये वाइटनिंग वाली इसमें ऐड करूँगी। आप इस तरीके से सेटिंग अलग अलग बना के और फिर आप इस तरह थोड़ी थोड़ी सी सेटिंग बना सकते हो और थोड़ी सी ये ग्लोइंग जो बेस मैंने बनाई थी ये ऐड करूँगी, ठीक है। और अब मैं इन सबको मिक्स करूँगी, इन सब को, ठीक है। ये ओवर भी नहीं होगी और मेरे लिए लाइट भी हो जाएगी, ठीक है। पहले मैंने हेवी बेस बनाई थी, उसको मैंने लाइट किया है और लाइट करने के लिए मैंने इसके थोड़ा इसके अंदर लोशन क्रीम ऐड कर लिया है ताकि ये डेली मैं इसको यूज़ कर सकूँ। इसमें लोशन ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपकी बिल्कुल लाइट सी बेस हो जाएगी और आपने बिल्कुल थोड़ा सा अप्लाई करना है या और ये हमने थोड़ा सी मिकदार में लिया है, ठीक है। और आपने ये बाकायदा बहुत ज़्यादा घर की नहीं लगाना और ठीक है, आप हल्का सा ये लिया है और ये आपने ऐसे अप्लाई कर देना है, ऐसे लगाना है आपने ऐसे। ये देखिए लोशन लगाया है ना, तो इसके साथ मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया, देखें आपको अब पता चलेगा कि ये कितना फ़र्क है। इसमें नहीं लगानी आपने, सिर्फ ऐसे करके और इसे अप्लाई करने ना, ये देखें इतना फ़र्क हो जाएगा। हल्की सी लगाइए और आपने इसको इस तरीके से कर लेना, देखें आपको खुद पता चलेगा कि हाँ भैया किस तरह आपने इसको बेस को इस तरीके से पूरे जैसे क्रीम लोशन लगाते हैं हम, उस तरीके से आपने इसको फैला देना है। बस बहुत ज़बरदस्त बेस लगेगी और फ्रेश आपका चेहरा लगेगा, तो ज़रूर इसको अप्लाई करिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। तो डेली यूज़ के लिए आपने इस तरीके से बेस बनानी है। अल्लाह हाफिज़।